आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे ऑनलाइन क्लास में मेरा स्केड्यूल बताने वाली हूँ आपका मेरा और आई एम गोना शेयर हाउ आई स्टडी एंड हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। ऑनेस्टली आई फर्स्ट टेल यू माय टाइम टेबल। तो शुरू होती है मेरी क्लासेस 2 बजे और ख़त्म होती हैं 5 बजे एंड इट्स लाइक इन मिड डे, सो आई डोंट रियली लाइक इट क्योंकि शाम को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, सुबह भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, सो इट गेट्स अ लिटिल डिसबैलेंस। नहीं तो सीधे पूरा शाम को ही कर देते, नहीं तो सीधे पूरा सुबह कर देते, दैट वुड बी बेटर। बट स्टिल आज मेरा फर्स्ट डे नहीं ऑनलाइन क्लास के, एक्चुअली जून 5th, तो इट्स बीन अ लॉट ऑफ डेज एंड आई हैव गॉट द हैंग ऑफ इट। हाँ, मेरे पास बीच में ब्रेक्स होंगे नहीं, 3 आवर्स कंटिन्यूस स्टडी है, विच आई एम एक्चुअली यूज टू। अगर आपने मेरा लॉकडाउन के ब्लॉग देखा होगा तो मैं अगेन अ लाइफ क्वारंटीन ब्लॉग देखा होगा, तो या एंड ना जस्ट गेट, मैं बस अपना ब्रश कर लूँगी एंड ना लेट्स गेट एंड हैव सम ब्रेकफास्ट नाउ। सो गाइस, अपना होमवर्क कर लिया है, ये मेरा हिंदी का होमवर्क, अनलिमिटेड। सो गाइस, मैं अपने सारे ब्लॉग से छोटी छोटी सी रेसिपीज बताती हूँ जो मैं बना सकती हूँ और जो मैं बनाती हूँ। ये रेसिपी मेरी फेवरेट है, दिस इज माय मार्केट। तो पहले तो मैं हमेशा इसमें ऑलमंड मिल्क लेती हूँ, हमें इसे बनाने के लिए चाहिए थोड़ा सा ओट फ्लायर, 4 टेबल स्पून, ये थोड़ा सा जैगरी पाउडर, हेल्दी बेकिंग पाउडर एंड देन ऑलमंड मिल्क और वेनिला एसेंस। डालने का मन नहीं है, भी नहीं करने एग्जैक्टली, एंड कोको पाउडर ऑल्सो, हाँ नहीं चॉकलेटी फ्लेवर के लिए। या सो गाइस, पहले मैं सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा अपना कोको पाउडर भी इसमें ऐड कर दूंगी और ये अनस्वीटेंड वाला है इसलिए हम जैगरी डाल रहे हैं। ये लॉकडाउन ने वी आर कोको कर, वी डोंट हैव कोको पाउडर एनीमोर, दिस वाज आई थिंक द लास्ट स्टैश एनीवे। तो गाइस, अब बस इसमें थोड़ा सा हम डालने वाले हैं बेकिंग पाउडर सो दैट अच्छे से फूले और इट लुक्स गुड। After that, थोड़ा सा जैगरी, obviously you don't want it to be कड़वा कड़वा because of the cocoa powder, बहुत कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। हनी भी ऐड कर सकते हो वो, लेकिन वो मैं थोड़ा सा बाद में ऊपर से डाल दूँगी तो मैं कह रही हूँ सॉफ्टी, आई एम अ स्वीट टूथ, यू ऑल नो दैट राइट। सो गाइस, अब इसको बस अच्छे से मिक्स करना है और देख सकते हैं मिट्टी जैसा लग रहा है, मिट्टी मिक्स विद शुगर, नो इज लाइक या हाफ अ कप ऑफ शुगर पाउडर शुगर विथ 4 टेबल स्पून ऑफ मिट्टी, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। एंड अब थोड़ा सा डालेंगे हम अपना ऑलमंड मिल्क और वजह से इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है, सो गुड जस्ट लाइक हेवन। अब इसको भी मिक्स करना है जब तक वो आपका मेल्टेड चॉकलेट जैसा ना दिखने लगे, लेट्स कीप ऑन मिक्सिंग दिस। ओके गाइस, तो अभी थोड़ा सा लगने लगा है, जैसे कि ये है आपका कैसा लगने लगा, ये इडली का बैटर या सैंड मिक्स्ड विथ दूध, तो आपको पता चल जाएगा कि हो गया ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है जिससे ये फाइन सैंड विथ दूध हो जाएगा, तो जो कंकड़ होते हैं वो हट जाएंगे उसके अपेक्षा और सिर्फ मिट्टी और दूध रहेगा। हाँ, बस थोड़ी देर इसको ऐसे मिक्स करना है और रखना है ऐसे गुड़ पूरा अच्छे से एक दूसरे में सब कुछ, उसके बाद फिर हम डालेंगे इसे माइक्रोवेव में फॉर हाउ मेनी मिनट्स, टू मिनट्स। आई एम रियली नॉट गुड विद ऑल द टाइमिंग्स। ओके गाइस, सो हमारा बन चुका है, बस इसके बाद हम डालने वाले हैं थोड़ा सा ये चॉकलेट। सो गाइस, ये मेरे चॉकलेट सिरप है वो हेल्दी चॉकलेट सिरप है, ये मम्मा ने घर में बनाया था कोको पाउडर पानी और जागरी को मिक्स करके। सो गाइस, इसे डालने का रीज़न ये भी क्योंकि ये ना बहुत ड्राई हो जाता है क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री है और ऐसा ड्राई लगता है जैसे हम मिट्टी खा रहे हैं लिटरली, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब ड्राई लगता है तो भले मीठा होता है अच्छे से टेस्ट नहीं आता, इसलिए हम इसमें ऐसा डालेंगे। और आप लोग अगर आपके पास ये नहीं, आप ये नहीं बना सकते तो हनी डाल देते। नाउ लेट्स रिज्यूम आवर वीडियो। क्योंकि जिससे बिल्कुल नहीं तो सूखा होता है ना, ओट्स
स्पंजी होगा लेकिन वो लेकिन थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो जाएगा क्योंकि ओट्स है ना ग्लूटेन फ्री. रियली? ओट्स ग्लूटेन फ्री होता है ना. आई जस्ट प्लॉप एवरीथिंग टुगेदर. सो गाइस ये मेरा ब्रेकफास्ट है. आई गॉट सम फ्रूट्स और केक और ये बात मॉइस्चरी और स्पंजी और हो जगह है वेरी टेस्टी. और ये फ्रूट्स है मेरे जिसको गोना हैव दोस. सो गाइज आई द थिंग इज कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए और मुझे मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो वैसे माँ हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाली देती है जिससे मैं मीठा भी खाऊँ और हेल्दी भी रहूँ. फ्रूट सॉरी देख सकते हैं बाल गीले हैं. वेरिंग टॉवल तो मैंने ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लुक पहना है. ये लग रहा है टाइट इट्स रियली लूसी सो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है. दिस इज़ माय टॉप प्रायोरिटी. अब मेरे क्लोज में देखो कि एवरी डे आई वेयर शॉर्ट्स और लेगिंग्स और समथिंग लाइक दैट बिकॉज़ आई वांट टू बी कंफर्टेबल टुडे. और अभी मैं चाहूँगी थोड़ा पढ़ाई कर लें और यहाँ देखिए कितना सुंदर हो रखा है ना हरा हरा. एनीवे गाइस आई एम जस्ट गोना गो एंड स्टडी एंड सो गाइज अब मैं पढ़ाई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मेरा क्लास आ रहा है तो मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करी क्योंकि झाड़ पोछा बर्तन हो रहा है जो हर घर में होता है और जैसे आई डोंट गेट इन टू द वे क्योंकि डाइनिंग टेबल में भी मुझे करना पड़ता है रेस्टरूम का शीशा है. ऑल माय बुक्स हियर आई एम गोना स्टडी. दीज बुक्स आर नॉट माय ओरिजिनल बुक्स. आई जस्ट यूज दिस फॉर मेकिंग टेक्स्ट बुक नोट्स बायो केमिस्ट्री. Yeah, this shows. This is like a bio, chemistry, history and civics are in one, geography and physics. ये हमारी normal physics notebook है जिसमें I took my only class notes. हमारी मैम ने दिया था so basically I took some from my sticky notes and then I just put it over here down. And मैंने साथ साथ फिर मैम ने एक presentation दिया था download करने के लिए. क्लास प्रेजेंटेशन का वही करते करते मैंने यहाँ नोट्स बना लिए हैं. एंड आई हैव माय मैथ्स नोट माय सो माय थ्री मेजर सब्जेक्ट टुडे आर हिंदी. हिंदी तो आई डोंट हैव टू डू एनी रिवीजन. आज व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी हैव हिंदी वी हैव मैथ्स वी हैव बायो एंड फिजिक्स देन एंड वन टेक्स्ट बुक. ये हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है. ये हमारी रेफरेंस टेक्स्ट बुक है. एक्चुअली देयर वाज सपोज्ड टू बी वन फॉर मैथ्स अकॉर्डिंगली व्हाट आई हैव हर्ड बट इट्स फॉर साइंस. सो एनीवे गाइस लेट्स स्टार्ट करिए. सो गाइज आई गॉट सीरियसली लेट फॉर क्लास. आज मैं ना अलार्म मुझे लगा देना चाहिए और मेरी मॉम मेरे और किसी ने मुझे याद दिलाई भी नहीं. आई वॉज बिजी स्टडिंग 10 मिनट पहले. एनी वे मैं यहाँ बैठ के करने वाली कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहीं है. सॉरी आई एम गेटिंग फास्ट. मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहीं है. सिग्नल का प्रॉब्लम होता है. आई एम गोना सिट हियर बट जस्ट गोना सिट अप देयर. माय मॉम्स गोना स्टैंड अप हियर. ओके लाइक दिस इज द वर्स्ट पार्ट. Log in with intro. Oh my god, today I'm late. My mom. Yeah, photo. Yeah, join. Oh my god. ज्वाइन करना है. गड़बड़ हो गई कुछ. इट्स नॉट माइक्रोफोन. सो गाइस
हिंदी क्लास आज हम लोग करने वाले वर्ड विचार तो आई हैव माय टेक्स्ट नोटबुक राइट ओवर हियर। मम्मा खा दे। ऑलमोस्ट डन। So guys, I'm finally done with my class. अभी आज snacks ready नहीं हुआ। क्या करूँ मैं? I make something myself. I'm a chef myself. Oh. Yeah. क्या बनाऊँगी? I don't know. मैं बनाती हूँ ना, अभी 5 o'clock तो हुआ है। मैं बना रही हूँ। Friday है, कुछ अच्छा बनाते हैं। आपने आटा बनाया है क्या? अभी बना देती हूँ, उसमें कितनी देर लग रही है? मैं lemonade दे दो, then I'm a little hungry. Okay. Yay. So guys, please join my dad. He's had vegan eating. Anyway guys, so my mom made this totally experimental thing. And I am loving it. So 2 minutes. So basically how much it will take to correct this? When do you come up with this stuff? Now I'm just going to watch some Barbie. Now Barbie has changed. ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग के लिए। और अब मैं यहाँ ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि अब मैं ज़्यादा कुछ लिखूँ होगा नहीं, स्टोरी लिखूँगी अगर मन करे या फिर थोड़ा सा डिनर विनर, क्योंकि कल ऐसे समय हमारा स्कूल जल्दी है, कल 8 बजे है तो इसलिए। और हाँ, तो वो उसके हिसाब से हम कर रहे हैं एंड फिर मैं बस जल्दी थोड़ा सो जाऊँगी, पढ़ाई करूँगी और 8 o'clock तक डिनर विनर करके शायद सो जाऊँगी, पता नहीं। तो ये मेरा ब्लॉग था, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और लॉकडाउन एंटरटेनिंग कंटेंट मिले, और साथ साथ कमेंट भी कीजिए अगर आपको कुछ नया चाहिए या आप चाहते हो कि मैं कुछ करूँ या आपको कुछ लग रहा है कि मैं थोड़ी गड़बड़ की है तो। हाँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। स्लो ही खाओ, अभी 5 मिनट्स हैं, आराम से खाओ, अभी 5 मिनट्स हैं। फाइव मिनट। टंग टंग टंग। ओके ओके, वीडियो शुरू हो गया। शुरू हो गया। ओके ओके, एक सेकंड। हाँ।